अस्सलामुअलैकुम दिसा मानुल्ला, मैं जो है अपनी पहली वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो ये है कि जो KIP का जो प्रोग्राम है, जो कोरियन इमिग्रेशन इंटीग्रेशन प्रोग्राम की जो बुक है स्पेशल लेवल 5 की, उसके जो जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर को मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं जो KIP सीख रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा हो। मैंने देखा है कि जो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इस तरह दूसरे ममालिक हैं, उनके जो उनकी लैंग्वेज में वीडियोस बनी हुई हैं और यूट्यूब पे वो अपलोडेड हैं, तो बहुत से दोस्त जो हैं वो वीडियोस देख के फ़ायदा उठा रहे हैं और उनकी कंट्री के जो लोग हैं वो KIP को आसानी से सीख सकते हैं, जो इसका कोर्स है कोरियन लैंग्वेज का। मैं जो है पहले कोशिश कर रहा हूँ कि जो लेवल 5 की जो बुक है इसको मैं आसान वर्ड्स में पहले आपको एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद अगर ये कामयाब होती है तो मैं लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक जितने भी लेवल्स हैं सबकी बुक्स को मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँ, ताकि जो है जो सीखे उनको फ़ायदा हो। ये कोर्स जो है 2021 से चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़े कंटेंट्स चेंज होंगे। अगर ये चीज़ आपको फ़ायदा देती है, आपको हेल्प करती है, तो जो नेक्स्ट ईयर की जो बुक्स आएंगी तो मैं लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक सारी बुक्स की मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगा, ताकि जो कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनको उससे फ़ायदा हो। मैं अभी आज इस वीडियो में जो है इस बुक का हनमुख साहब ईहे का जो कीबुन है, जो बेसिक बुक है, इसके 50 चैप्टर्स का सबसे पहला चैप्टर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह अगर आपको अच्छा लगे, आप कमेंट्स करें, तो मैं उसकी बेस पे जो है मैं आगे और भी वीडियोस बना के और चैप्टर्स को जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसको अगर आप बुक देखी हो तो इसके जो पार्ट्स हैं वो टोटल 8 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो इसका है वो साहवे है, उसको कहते हैं हम कोरियन में। साहवे का मतलब ये है कि सोसाइटी। उसका जो दूसरा पार्ट है वो भी सावे है, सावे ई कहते हैं उसको, सावे सेकंड पार्ट, वो भी सोसाइटी है। थर्ड पार्ट है इसका मैं आपको देख के बताऊँ, थोड़ा सा आपको आसानी हो। मुनवा कल्चर पार्ट है इसका। चौथा पार्ट इसका है चमची, जो इसको देखते हैं आप सियासत कह सकते हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट ख्योंगचे, इकोनॉमिक जो होता है माशर्ती। उसके बाद फॉब है, फॉब कहते हैं लॉ को। उसके बाद योक्सा कल्चर है। जो लास्ट पार्ट है वो चीरी है, जिसको हम ज्योग्राफिक कहते हैं, इलाकाई स्टडीज जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं। उसके बारे में जो है वो चैप्टर्स हैं, ये 8 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहले जो है मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगा चैप्टर 1 से, ताकि आपको आसानी हो। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ चैप्टर 1 से। इस बुक का पहला चैप्टर है, उसका नाम है हनु के सांगजिंग। सांगजिंग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है। कोरिया को क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, बड़ी 4 चीज़ें हैं। कि फर्स्ट पेज पे भी 4 तस्वीरें हैं। नंबर 1 तस्वीर जो है वो इनकी फ्लैग की है। फ्लैग जो है इसको ये थेगक की बोलते हैं, थेगक की इनके फ्लैग का नाम है। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी परचम का नाम है, परचम में सितारा हो हिलाल, और इनके परचम का नाम है थेगक की, तो आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ है इनका जो है वो इनका नेशनल फ्लावर है, उसको हम कहते हैं मूगुंगवा। और थर्ड जो है इनका हंगल है, जो कोरियन कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए हैं वो इनको रिप्रेजेंट करता है। चौथी चीज़ जो है वो एगुक्का है, जो इनका नेशनल एंथम है। वो 4 चीज़ें जो है इनकी फर्स्ट चैप्टर में गिवन है, कि ये 4 चीज़ें जो है हमारी जो हमें रिप्रेजेंट करती है, वो 4 चीज़ें। उसके बाद जो इसका बुक में जो पैराग्राफ हैं वो बड़े 2 हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक है ध्यान में उगे कुकीवा कुका, मतलब कोरियन थेगक की जो इनका फ्लैग है, और इनके कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। और दूसरी जो है वो इनके जो फ्लावर हैं और जो कोरियन कैरेक्टर्स है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो पहले इन्होंने तस्वीरें दी थी उसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिटेल से, तो मैं आपको आसान वर्ड्स में थोड़ी से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको ये बुक पढ़ते हुए आसानी हो। फर्स्ट चैप्टर पर आप देखें तो जो ध्यान के कुकी व कुका, ध्यान कहते हैं कोरिया को, और कुकी कहते हैं फ्लैग को, और कुका कहते हैं जो इनका एगुक्का, जो इनका नेशनल एंथम है उसको कहते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने योंगचुक को फॉर एग्जाम्पल F5 वीज़ा अप्लाई करना है, कोई और वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको एगुक्का जो इनका नेशनल एंथम है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिलफरज़ अगर आपने नेशनलिटी लेनी है, तो आपको एगुक्का जो है उसका फर्स्ट लाइन जो है वो आपको मस्ट याद करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं जो इनका जो फर्स्ट पेज है यहाँ पर बड़ी 3 चीज़ें। एक, आपको इनके साउथ कोरिया का जो है इनका ऑफिशियल नेम याद रखना है, इसको हम हनगुक बोलते हैं, ठीक है। हनगुक का इंग्लिश नेम है
साउथ कोरिया, लेकिन इसका ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द रिपब्लिक ऑफ कोरिया को आपने याद रखना है कि आपके उससे पूछा जाए कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो वो आप इंग्लिश में तो आप कह सकते हैं द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरिया का ऑफिशियल नेम कोरियन में क्या है, तो आप कह सकते हैं तेहान मिनगुक, तेहान मिनगुक। ये फर्स्ट चीज़ है। सेकेंड चीज़ जो है वो इसके फ्लैग के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसका फ्लैग कैसा है। जो बैकग्राउंड है इसका फ्लैग का, वो है वाइट कलर का, और जो इसमें थेकक बना हुआ है, जो दरमियान में एक गोल सा आप देख सकते हैं चैन बना हुआ है, उसका अपर पार्ट जो है वो रेड है, लोअर पार्ट जो है वो उसका ब्लू है। इसकी जो दरमियान में साइन है वो नीचे से जाके इस तरह ऊपर होके इस तरह जाती है, तो वो है, वो आपको याद रखना है। दूसरा, इसके जो साइड्स पे जो लाइंस हैं उसको हम क्वे बोलते हैं कोरियन में। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो तीन है, एक दो तीन, इस साइड पे फिर पाँच हैं, एक दो तीन पाँच, चार पाँच, इस तरह पाँच है। इस साइड पे फिर चार हैं, चार कैसे होंगे, एक बाहर लकीर, एक इस साइड पर बाहर, दो छोटे छोटे अंदर, और इस साइड पे जो है दोबारा जो है छः हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। इसको हम इस तरह, मैं जो याद किया था फनी उसमें थोड़ा सा आसानी के लिए, 35 46, 3 5 4 6, इस तरह अगर आप याद कर लें तो आपके लिए मसला कोई नहीं होगा। मतलब तीन लकीर इधर, पांच लकीर इधर, चार लकीर इधर, छः लकीर इधर, इस तरह अगर आप याद करें आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। दूसरा, इसको हम कोरियन में बकायदा नाम देते हैं, खन कौन खाम नी, खन खन खाम नी, ये इनके नाम है। मतलब इस साइड पे जो है उसका नाम है खन, इस साइड पे जो है उसका नाम है कौन, इस साइड पे जो उसका नाम है खाम, इस साइड पे जो है उसका नाम है नी। इस तरह अगर आप याद कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, इसका जो थर्ड पार्ट जो है वो है इनका एगुका। अब एगुका जो है उसका जो फर्स्ट झोल है, आपने कम अज़ कम ये याद रखना होगा, उसमें है तुम्हें मूलकुआ फेप्तू सानी मारगो थार तो रोक हान निमी भोहो हासा उरी नारा मानसे, इस तरह वो बोलते हैं। इसके मतलब मैं आपको समझाऊँ, शायद आपके लिए समझने में ऐसा नहीं हो। दुंगे कहते हैं, जो धुंग जो है इसका मशरक साइड है, हे कहते हैं समंदर को, मूल कहते हैं पानी को, दुंगे मूल जो मशरक साइड में जो समंदर है उसका पानी, क्वा और जो इस साइड पे फेक्तूसान, फेक्तूसान इनके पहाड़ का नाम है जो भी नॉर्थ कोरिया और चाइना के दरमियान में, तो उस साल उस दरिया से लेकर जो दुंगे मूल है इस दरमियान में जितना भी है, ये खुश भी हो जाए, आपस पर टकर भी जाए, लग भी जाए, वहाँ तक मतलब जितने भी हैं ऑल ओवर जो तेहान मिनगुक है, जितना भी कोरिया है, सबको हाना नेमी जो हमारा गॉड कोर के तस्वर करते हैं, कंसिडर करते हैं, हाना नेम जो आसमान पे रहता है उसको ये हाना नेम कहता है, अल्लाह कहते हैं ये हाना नेम कहते हैं, वो ऐसा प्रोटेक्ट करें तेहान मिनगुक मान से, और हमारा जो कोरिया है उसकी जय हो। मतलब हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, इसका ये बोलते हैं तेहान मिनगुक मान से, तो कोरिया जिंदाबाद, इस तरह का नारा है। तो ये आप याद रखें तो आपकी ऐसा नहीं हो। दोबारा मैं बताता हूँ, तुम्हें मुल्कवा फेक्तुसानी मारगो थारतो रुक हान निमी पोहो हासा उरी नारा मानसे, ये आप इतना भी याद रखें तो आपके लिए बहुत है। उसके बाद आप जब हेल्प लेते हैं, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको निशानी मिलती है, तो अगर हेल्प लेते हैं तो आपको अपना सीधा हाथ सीने पर रख कर आपको ये लाइन बोलने पड़ेंगे, नानन मैं झारंग सरोन जो फ़ख्र करता हूँ उस पर, थिकक्की जो फ्लैग है हमारा अफे के सामने, छयूरप के जो आज़ाद है, और झुंगी रोन जिसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तेहन मिंगू के कोरिया के मुगुंगहन मतलब लाइफ टाइम, योंगवांग जो उसकी इज्जत के लिए, विहायो के लिए, छुंगसुंगल मतलब अपनी पूरी कोशिश मतलब अपना पूरी कुर्बानी, सहल कोशिल दूंगा, और कुके था उसके लिए मैं तहे दिल से वादा करता हूँ, इस तरह का जो है वो लाइन है आपको बोलनी पड़ेंगी। तो बारे में बोलता हूँ, नान छारंग सरोन थेक की अफे छयुरको छोंगे रोन थेहन मिनगु के मुगुहन योंगांगल विहायो छुंगसुंगल थहल कोसल कुके थाचे भंगिता, इतना आप याद कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हमारे फर्स्ट जो पेज पे पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में आगे एक्सप्लेन कर दिया। तीन चीज़ें बड़ी थी, एक कोरिया का ऑफिशियल नेम, दूसरा इनके फ्लैग के बारे में डिटेल्स, थर्ड इनका कौमी तराना। उसके लिए नेक्स्ट पेज पर आप देखें तो नेक्स्ट पेज पर है
बड़ी दो चीज़ें हैं, एक इनका तेहनमिंगू के कुकवा जो इनका नेशनल फ्लावर है, और मुनचा जो इनके करेक्टर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कुखा जो है इनका नेशनल फ्लावर जो है उसको कहते हैं मुगुंगवा, मुगुंगवा इनके नेशनल फ्लावर का नाम है। उसका मतलब जो है ना वो ये है कि यौमोनी सारी उम्र फीको तो फ्योसो चिचे आनंदोत, मतलब ये फ्लावर जो है ये खिलता है और खिलता है और ये मुरझाता नहीं है, ये वो फूल है, तो इसलिए इसको ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव फ्लावर कहते हैं कि कोरिया को ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ये खिलते हैं मुरझाते नहीं हैं। इस मतलब की वजह से इन्होंने अपने जो नेशनल फ्लावर है उसका ये नाम रखा है मुगुंगवा, उस फ्लावर को इन्होंने जो है अपना नेशनल फ्लावर सेलेक्ट किया है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी मेन चीज़ है वो ये है इसके करेक्टर्स हैं जो 1446 में अनाउंस हुए थे और उसको सेजोंग थेवांग जो किंग सेजोंग है उसने बनाए थे। ये जो बने थे तो इसको जो कॉन्सनेंट्स हैं झाम कहते हैं उनको कोरियन में, वो टोटल 14 है, और मोम हम कहते हैं वोवल्स को, तो वोवल्स इसके 10 है, तो टोटल ये 24 हैं। अब से इसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है कि इसके झाम कितने मोम कितने, तो झाम 14 है मोम 10 है। अच्छा, ये जब बने थे तो उसने जो रिसर्चर था सेजोंग कहते हैं सेजोंग थेवांग, उसने जो है तीन चीज़ें मेन देख के बनाई थी, एक जो वोवल्स बने थे वोवल्स वो तीन चीज़ें भी देख के बनाई थी, एक आसमान, आसमान को उसने नुक्ते से रिप्रेजेंट किया था, इंसान को उसने वन की लकीर से रिप्रेजेंट किया था, और ज़मीन को तांग को उन्होंने जो है इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट किया था। तो ये तीन चीज़ें जो हैं इससे इसने मोम बनाए थे। झाम जो है जो कॉन्सनेंट्स हैं वो इसका जो मुँह है इस शेप है इसको बना देख के, और किया नियन दिगत रियल मियम बियप यंगशियो ये सारे जो इसको देख के वो बनाए थे उसने, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा ये कि हंगल जो है ना हंगल, ये हंगल कोरियन करेक्टर्स को बोलते हैं, ये वाहिद ऐसे करेक्टर है जो साइंटिफिकली प्रूव है, बाकी किसी लैंग्वेज की कोई हिस्ट्री किसी के पास नहीं है सिवाय कोरियन लैंग्वेज की। कोरियन लैंग्वेज की हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल सबके सामने है ये वाहिद ज़बान, इसलिए यूनेस्को में जो है ये रजिस्टर्ड है, और जिसकी वजह से जो है ये हंगल नाल मनाते हैं हर 10वें महीने की 9 तारीख को। इस तरह जो है इनके अभी हॉलीडेज के बारे में आपको बताता हूँ, जिस तरह हमारी दो बड़ी ईदें होती हैं, इनके बड़ी दो ईदें जिसको ये म्योंगचुल बोलते हैं, एक सोलाल है जो इनका न्यू ईयर होता है चांदी कैलेंडर पे, एक चुसुक है जो इनका थैंक्स गिविंग डे होता है जो चांदी कैलेंडर पे हर 8वें महीने की 15 तारीख को होता है। इसके अलावा भी इनके कुछ कल्चरल कुछ इनके डेज हैं जिसपे ये छुट्टी करते हैं, और ये जो फ्लैग है उसको ये अपने घरों के बाहर लगाते हैं। एक समिल उंदुंग है जिसको मतलब 1919 तीसरे महीने की पहले तारीख को जो स्टार्ट हुई थी, युगवांग सोक के नाम से एक लड़की जिसने बड़ी कुर्बानी दी थी, यंग लड़की 18-19 ईयर्स की एज थी, वो उसमें मर गई थी, तो इन्होंने जापान के खिलाफ स्ट्राइक की थी, तो उस जो स्टूडेंट्स ने जो है इसको बगावत कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने जापान की नज़र में बगावत है, लेकिन इनकी नज़र में इन्होंने आज़ादी के लिए जो तहरीक चलाई थी वो तीसरे महीने की पहली तारीख को शुरू हुई थी 1919 के, तो उस डेट की याददाश्त में ये हर तीसरे महीने की पहली तारीख को छुट्टी करते हैं, और उसका नाम है समिल उंदुंग, ठीक है, समिल जुल भी कहते हैं, समिल उंदुंग भी बोलते हैं। दूसरी जो है वो 6 महीने की 6 तारीख है जिस दिन उन्होंने इनकी फौज ने कुर्बानी दी थी कंट्री के लिए, उसको ह्योंगचुंग इल बोलते हैं, ह्योंगचुंग इल। उस दिन जब ये झंडा जब अपने घर पर लहराते हैं तो वो झंडे का जो वो होती है वो क्या कहते हैं उसको जिस पर झंडा लटकाया जाता है, ये बिल्कुल उसको नीचे तक झोंकी झोंकी खेन्यांग बोलते हैं इसको, कि ये जो इनका थिगर की जो झंडा है वो नीचे की तरफ हो, कि इनके गमी का इजहार करने के लिए जो झंडा जो है उसको नीचे लगा लेते हैं, और उसके अलावा जो और दिन है उनमें ऊपर लगाते हैं, तो वो आप देखें तो झोंकी खेन्यांग बोलते हैं इसको कोरियन में, कि नीचे की तरफ झंडा, इस सब 6 महीने की 6 तारीख को करते हैं। उसके अलावा 7वें महीने की 17 तारीख को इनका जो है लॉ बना था कोरिया का, उसको ये बोलते हैं जनरल वाला जेहोनचोल, उस दिन ये छुट्टी खास नहीं करते, सिर्फ उसकी आदेश में ये बनाए हुए इन्होंने उस दिन झंडा लाजमी लगाते हैं। उसके अलावा जो यांगयुक जो है जो अभी का कैलेंडर है इंग्लिश कैलेंडर, उसके 8वें महीने की 15 तारीख को ये जापान से आज़ाद हुए थे, तो उसको ये ख्वांगचुल बोलते हैं, ख्वांगबुकचुल, ख्वांगबुकचुल पे भी जो है ये झंडा लगाते हैं, छुट्टी भी करते हैं।
उसके अलावा जो 10वें महीने की 3 तारीख है इसको केछुन जुल बोलते हैं। यही समझते हैं कि इस तारीख को हमारा ये पूरा कोरिया बना था। इनके कहना ये है कि आसमान से जो है योंगुंग जो मौजूद खुदा का बेटा जो है वो यहाँ पर आया, उसको ये जगह पसंद आई। थेबिकसान एक पहाड़ है उस पर वो उतरा और उसने ये जगह पसंद की और उसने यहाँ पर हुक्मरानी की, हुकूमत बनाई। ये समझते हैं कि हम दुनिया में सबसे पहले आए थे, तो इस दिन ही छुट्टी करते हैं। उसके अलावा 10वें महीने की 9 तारीख को जो हंगर लाने जो मैंने एक्सप्लेन किया उस दिन भी छुट्टी करते हैं। तो ये जो है ये इस फर्स्ट चैप्टर में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको निचोड़ बता दिया। बड़ी 4 चीज़ें हैं, इनका एक ऑफिशियल नेम, दूसरा इनके झंडे के बारे में इन्फॉर्मेशन, तीसरा इनका एगुक का जो इनका कुमितराना है, उसके अलावा मुगुहा जो इनका नेशनल फ्लावर है, उसके बाद जो इनके एक और इनके कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आपसे इन्हीं के रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो थेगकी है जो फ्लैग है इनका उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा है, तो वो तो वाइट हमें होता है। उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेड कलर कहाँ पर है, ब्लू कलर कहाँ पर है, उसके बारे में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो इनके क्वे हैं जो लाइन्स हैं वो किस कलर की पूछी जा सकती हैं, उसके नाम क्या हैं वो पूछे जा सकते हैं, कौन कौन कंपनी मैं आपको बताया हुआ है। उसके अलावा आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि जो मोअम जो है इनके जो वोवल्स बने थे वो कैसे बने थे, तो 3 चीज़ों से बने थे। आसमान के जो रिप्रेजेंटेटिव जो है जो निशान है वो नुक्ता है, इंसान का सीधी लाइन है और ज़मीन के लिए ये है, और जो छाम बना था वो इंसान के जो है कुगान जो मुंह का जो एक्सप्रेशन है मुंह जो है ना इसको देखकर बनाया गया था। उसके अलावा आपसे ये पूछ जा सकते हैं जो मैं हल्फ लेता हूँ नारायण छरण सरोन किस कैप थिकर कैप है, सो वो मतलब फिलिंग ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको याद रखना होगा। उसके अलावा आपसे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोरिया का जो नेशनल फ्लावर है कौन सा है, तो चिंदाले है, चिंदाले नहीं है, बताया था मुगुमो है, चिंदाले जो है ये नॉर्थ कोरिया का है, ये आपको याद रखें तो आपको उसे भूलेगा नहीं। उसके अलावा जो दूसरा है इसका जो ऑफिशियल नेम आपसे कहा जा सकता है इंग्लिश में इसका साउथ कोरिया, इसका ऑफिशियल नेम साउथ कोरिया नहीं है, इसका ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि दोंगहे वा फेक्टूसान जो है वो इनके कौमी तराना के पहले लाइन में आते हैं, तो नामसान भी आता है, नामसान उसमें नहीं थे, नामसान हमेशा दूसरी लाइन में आते हैं, तो वो गलत हो सकते हैं। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कोरियन कैरेक्टर्स हैं ये किसने बनाए थे, तो इससे जो थेवांग ने बनाए थे। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेवल फर्स्ट चैप्टर 1 के बारे में हो तो होपफुली आपसे कोई चीज़ गलत नहीं होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पैगाम कि जो आपको फर्स्ट चैप्टर में जो चीज़ें याद रखनी है बड़ी बड़ी 5 हैं, एक इनका ऑफिशियल नेम, दूसरा इनके फ्लैग के बारे में, तीसरा इनका कौमी तराना, चौथा इनके फ्लावर, पांचवा जो इनके कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में। तो होपफुली जो है ये वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आपकी इल्म में जो है इजाफा करेगी, आपको कोरियन लैंग्वेज पढ़ते हुए जो है ये आपको हेल्प देगी। तो आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा जिसमें कोरियन फैमिली के बारे में बताया गया हनुके खाजोक, उसके बारे में जो है मैं तफसील से आपको बताऊँगा जो उस चैप्टर में है। और उसके बाद जो है मैं हर वीडियो में जो है एक एक चैप्टर को कवर करूँगा ताकि आपके लिए सीखना आसान हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आपको सजेशन देनी हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, मुझे जब टाइम मिले तो मैं इंशाल्लाह उस पर फीडबैक दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।